जय हिंद साथियों, ये स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल जे एन भी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो कराए थे कैलेंडर से, तो उसमें जो भी क्वेश्चन था बेसिक से पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में कराए थे, जो थ्योरी था इसका। अब इस पार्ट 3 के वीडियो में देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें ऊपर की ओर है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर की ओर है इस पार्ट 3 के वीडियो में। आपको सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जो भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है उन सबको इस पार्ट 3 के वीडियो में लाए हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आइए उसको देखते हैं। दोस्तों मैथ रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो उसमें क्वेश्चन सही से पढ़ना समझना बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन को पहले सही से समझिए पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हैं तो उस महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देता है और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी है। देखिए बोल रहे हैं कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी सोमवार होगी। गुरुवार दिया है 25 अगस्त को, सोमवार की संख्या आपसे पूछ रहे हैं उस मंथ में कितनी सोमवार होगी। देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे और बनाएंगे। बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट ट्रिक यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए, और लॉजिक भी खास रहेगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, 25 अगस्त को क्या दिया है, थोड़ा सा पहले देखिए 25 अगस्त को क्या दिया है। 25 अगस्त को दिया है क्या, गुरुवार दिया है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या दिया है, गुरुवार। 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। अगस्त की बात की जाए तो 31 दिन का ये मंथ होता है, कितने दिनों का, 31 दिन का, थोड़ा समझिए। अगस्त ये हो गया आपका 31 दिनों का। 25 के क्या है, गुरुवार है, 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, फिर 29, फिर 30, उसके बाद 31। यहाँ पर गुरुवार 25 को है, 26 के शुक्रवार हो जाएगा, 27 के शनिवार, 28 के फिर रविवार, 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सोमवार मिल गया, 29 तारीख के क्या हो गया, सोमवार। आपसे सोमवार की संख्या पूछा है, अब तो आगे दो दिन है ही है, 30 और 31, तो आगे जाएंगे नहीं क्योंकि 7 दिन के बाद फिर सोमवार आएगा। तो इस मंथ में अगस्त में पूछा है सोमवार की संख्या, 29 तारीख को सोमवार हो गया। अब जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 29 तारीख के क्या हो गया, 29 तारीख को क्या हो गया, सोमवार, 29 को हो गया आपका सोमवार। अब जरा समझिए, अगर इसमें 7 आप माइनस कर देते हैं तो 22 तारीख आ जाएगा, 22 को क्या हो जाएगा, फिर सोमवार होगा, होगा कि नहीं। फिर इसमें अगर आप माइनस 7 कर लेंगे 22 में तो आपका 15 तारीख को क्या हो जाएगा, तो फिर सोमवार होगा। इसमें अगर फिर आप माइनस 7 कर लेते हैं तो 8 तारीख के क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। फिर इसमें अगर आप माइनस का 7 करेंगे तो 1 के क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 29 के सोमवार आया था, 7 घटाए थे तो 22 के सोमवार आया, फिर 7 घटाए थे 15 को सोमवार आया था, फिर 7 घटाए थे 8 के सोमवार आया था, फिर 7 घटाए तो 1 को सोमवार आया था। तो टोटल सोमवार काउंट कर लीजिए आपका, यहाँ पर आ गया 29, 22, 15, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 सोमवार की संख्या होगी। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, 5 डी ऑप्शन में है, आपका डी राइट हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है, सोमवार की संख्या काउंट करना था, 5 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया, बिल्कुल ही आसानी से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, वीडियो समझ में अच्छा से आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके पास स्टडी लेटर ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सारे भाई लोगों के पास वीडियो जाए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोल रहे हैं यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। दोस्तों देखिए वर्ष 2016 दिया है, प्रथम दिन शुक्रवार दिया है, प्रथम दिन शुक्रवार रहा हो तो अंतिम दिन क्या होगा। देखिए वर्ष 2016 की बात की जाए तो ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान क्या होती है, अगर लास्ट की दो संख्या 4 से कट जाए, पूरा 4 से कट जाए तो क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी महीना कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। तो देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में इससे जो भी रिलेटिव थ्योरी है नियम है उन सबको कराए थे। यहाँ पर वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार दिया है, अंतिम दिन आपसे पूछा है। प्रथम दिन तो दे दिया है, क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। पहली तारीख को यानी पहली
पहली तारीख को क्या दिया है, एक तारीख को क्या दे दिया है, शुक्रवार दिया है। थोड़ा सा पहले समझिए, पहली तारीख को क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। आपसे पूछा है लीप वर्ष कितने दिनों का होगा दोस्तों, तो 366 दिनों की होगी। पहली तारीख दे दिया है, 366 दिन में पहली तारीख मालूम है, एक तारीख को शुक्रवार है। अब बचा 365 दिन आपका, 365 दिन यानी लास्ट के जो दिन होगी, अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर का जो दिन होगा कौन सा होगा। देखिए 365 दिन बचा, इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो पूरा 52 बार में जाता है और शेषफल एक बचता है। 365 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 52 यह जाता है 52 बार में और शेषफल एक बचता है, यानी जो 52 है ये 52 सप्ताह होता है, उसके बाद शेषफल एक बचता है। तो कोई भी दिन अगर बाद में पूछे तो बताए थे पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में कि जो शेषफल बचता है, जो दिन दिया रहता है और बाद में पूछता है तो शेषफल क्या करते हैं, उस दिन में जो दिया रहता है उसमें जोड़ देते हैं। अगर पहले दे देता, जिसे मान लीजिए दिसंबर का दिन दे देता और फर्स्ट वाले दिन पूछता तो रिमाइंडर घटाते, जिसे यहाँ पर प्रथम दिन शुक्रवार न देकर अंतिम दे देता शुक्रवार, तो प्रथम दिन 2016 का कौन सा दिन होगा, पहली तारीख को, तो रिमाइंडर जो आता है उसको क्या करते, जो दिन दिया रहता है उसमें से घटाते हैं। लेकिन दिन यहाँ पर दिया है, बाद में पूछे हैं, पहली तारीख को दे दिया है 2016 का और लास्ट में अंतिम दिन 2016 का पूछ रहे हैं, तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको जो दिन दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक यहाँ पर रिमाइंडर बचा, 366 दिन में पहली तारीख को शुक्रवार दे दिया है, बचा 365 दिन, 365 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 52 बार में जाएगा, यानी 52 सप्ताह हुआ, शेषफल एक बचता है, एक इसको जोड़ लीजिए शुक्रवार में, तो शुक्रवार में एक को ऐड कीजिएगा एक दिन और, तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगले दिन शनिवार। तो शनिवार देखिए आपका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में शनिवार है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, देता है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़िए। देखिए राम को याद है कि, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, रामू को याद है कि उसकी बहन राधा का जन्मदिन 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले हैं, जबकि उसकी माँ को याद है कि राधा का जन्मदिन 22 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च के पहले हैं। अगर दोनों कथन सत्य हैं तो बताएं कि राधा का जन्म किस तारीख को है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले सही से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राम को याद है कि उसकी बहन राधा का जन्मदिन 19 मार्च के बाद हैं लेकिन 22 मार्च के पहले। 19 मार्च के बाद राम को याद है कि उसकी बहन की राधा के जन्म 19 मार्च के बाद लेकिन 22 मार्च के पहले हैं, जबकि उसकी माँ को याद है कि राधा का जन्म 20 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च के पहले हैं। अगर दोनों कथन सत्य हो तो बताएं कि राधा का जन्म किस तारीख को हुआ है। दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि राधा का जन्म रियल में किस तारीख को हुआ है, बताइए। देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए, राम क्या कह रहा है, रामू दिया है, रामू लिख लीजिए, रामू कह रहा है कि उसकी बहन राधा का जन्म 19 मार्च के बाद, यानी 19 के बाद बोल रहे हैं रामू, तो 19 के बाद बोल रहे हैं और 22 के पहले, तो 19 के बाद 20 होगा, 21 होगा 22 के पहले तक, 19 के बाद और 22 के पहले 20 और 21 होगा। माने रामू बोल रहा है कि 20 से 21 मार्च को क्या, उसकी बहन राधा का जन्म हुआ। उसकी माँ बोल रही है, माँ क्या कह रहे हैं देखिए, राधा की माँ क्या कह रही हैं, 20 मार्च के बाद, यानी राधा का जन्म उसकी माँ बोल रहे हैं कि राधा का जन्म 20 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च के पहले, तो 20 मार्च के बाद क्या होगा, 21 होगा, 22 होगा, फिर क्या होगा, 23 होगा, और 24 मार्च के पहले बोल रहे हैं कि 20 मार्च के बाद 24 मार्च के पहले, यानी उसका जन्म उसकी माँ बोल रहे हैं कि 21 22 23 इसमें से किसी तारीख को हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों कथन सत्य हैं तो राधा के जन्म किस तारीख को हुआ है। दोस्तों देखिए एक बात ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन आप एकदम ईजी से बना सकते हैं। देखिए दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो तारीख सेम मिल रही है वही आपका राधा का जन्म हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 20 21 से यहाँ पर चालू किया है, यानी 21 और 21 दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, कॉमन हो रहा है। तो जब 21 21 कॉमन हो रहा है तो राधा का जन्मदिन क्या हो जाएगा, राधा का जन्म किस तारीख को हो जाएगा, 21 मार्च को, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 21 मार्च बी में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन दिए इससे कोई दिक्कत नहीं, कॉमन जो मिलेगा वो आपका राधा का जन्म हो जाएगा, या कोई भी देगा, दो कॉमन वाला नहीं, दो कथन वाला हो गया, तीन आदमी का देता, चार आदमी का देता, सब में सेम कॉमन मैच करते, कॉमन जो मिल जाता वही आपका दिन हो जाता। चलिए देखते हैं इसके बाद आपको,
चलिए चार नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। क्वेश्चन बहुत भिव्याई है दोस्तों। देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन देता है कैलेंडर से, क्या दो क्वेश्चन वैसे एग्जाम में देता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाएंगे समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं ना, अगर 366 दिन को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 2 बचता है। 365 दिन को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 1 बचता है शेषफल। यहाँ पर 366 दिन को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो 52 सप्ताह होगा और शेषफल आपका 2 बचेगा। यहाँ पर भी 365 दिन को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 52 सप्ताह होगा, रिमाइंडर आपका शेषफल 1 बचता है। अब देखिए 366 दिन को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 52 सप्ताह, शेषफल 2 दिन बचा, यानी 52 सप्ताह तो सब दिन 52 को सप्ताह होगा, यानी सोमवार 52, मंगलवार 52, बुधवार 52, बृहस्पतिवार 52, सब 52 होगा। उसके बाद शेषफल 2 बचा। पहली तारीख को यहाँ पर दे दिया है, इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है, यानी मंगलवार भी 52 को होगा। 1 तारीख को जब मंगलवार हो गया तो बुधवार भी 52 को होगा, सब 52 को होगा, 52 सप्ताह ही होता है, शेषफल 2 बचा। तो मंगलवार 1 तारीख को है तो फिर मंगलवार के बाद शेषफल जो 2 बचा तो मंगलवार के बाद से चालू करेंगे। तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा आपका बुधवार, ये बुधवार बृहस्पतिवार 2 दिन बचा है तो आपका यहाँ से बुधवार से स्टार्ट होगा, क्योंकि मंगलवार 1 जनवरी को पड़ा है। 52 टोटल हो गया 52 सप्ताह, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, फिर आपका मंगलवार 1 तारीख को है तो बुधवार से चालू होगा, यानी शेषफल जो 2 बचा है तो इसमें बुधवार होगा और बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि मंगलवार तक जा करके 52 सब सप्ताह समाप्त होता है, फिर बुधवार से स्टार्ट होगा। ये शेषफल जो 2 बच रहे हैं तो बुध से स्टार्ट होगा, तो 53 आपका बुधवार हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, 53 डी ऑप्शन में है दोस्तों, शायद समझ गए होंगे जो हम बताना चाहते हैं। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है टोटल कितने बुधवार होंगे, तो मंगलवार 52 को हो जाएगा, सब सप्ताह 52 को हो जाएगा, सब दिन, शेषफल जो 2 बचा उसमें, फिर मंगलवार जब 1 तारीख को है तो बुधवार से स्टार्ट होगा तो बुध हो जाएगा, यानी 52 सप्ताह के बाद फिर उसमें बुध एक और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 52 को तो बुध ऐसे हो गया और उसके बाद एक और ऐड किया जाएगा जो शेषफल 2 बचा था, तो 53 को बुध हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति अगर पूछता तो बृहस्पति भी एक ऐड करते, लेकिन बुधवार का दिया है तो 52 के बाद 53 हो जाएगा, 53 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए एक साधारण वर्ष जो होता है ना, साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिए पहले। साधारण वर्ष जो होता है 365 दिनों के होते हैं। अगर 365 दिन में 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 बचता है, ये बात ध्यान रखना है। और लीप वर्ष में 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। साधारण वर्ष में दिया है 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो आपका 15 अगस्त 2007 को पूछ रहा है, यानी 15 अगस्त 2007 से 15 अगस्त 2008 तक पूछा है, यानी टोटल 365 दिन के बाद पूछ रहे हैं। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 52 होगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, तो 52 सप्ताह के बाद 1 दिन शेष बचा, बाद पूछा है तो 1 दिन जो शेषफल आया है रिमाइंडर उसको मंगलवार में जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगल में 1 जोड़िए, यहाँ पर 1 को ऐड कीजिए तो बुधवार होगा। बुधवार देखिए किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपका, डी में है, डी आपका सही आंसर होगा। 365 दिन 15 अगस्त 2007 से 15 अगस्त 2008 तक टोटल 365 दिन हुआ, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 7 दिन के बाद फिर से जो दिन होता है उसका रिपीटेशन चालू होता है, 7 से इसीलिए डिवाइड करते हैं। 1 शेषफल बचा, 52 सप्ताह टोटल जाता है, 1 शेषफल मंगलवार जो दिया है इसमें जोड़ लेंगे तो बुधवार हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन था आज की इस वीडियो में समझ में आसानी से आया होगा। चलिए मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।